Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Pragya, and in today's video I'm going to share with you the review of this cult favorite product, and this is the Wet n Wild highlighting powder. So in this video I will share all the details about this product and whether I like it or not and whether you should invest your money in this product or not. So please keep on watching this video till the end, and without any further delay let's quickly jump into the video. गाइज, हाइलाइटर लगाना तो हम सबको पसंद ही है, और अगर आप डेली मेकअप करते हो या फिर पार्टीज वगैरह में जाने के लिए आपके पास तो एक हाइलाइटर होना ही चाहिए. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक ज़्यादा कुछ हाइलाइटर्स ट्राई नहीं किए हैं. जो थोड़ा बहुत हाइलाइटर्स मैंने ट्राई किए हैं उनमें से ये हाइलाइटर मुझे काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि ये है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटिंग पाउडर, और ये 499 रुपीज़ में रिटेल करता है, और मुझे ये डिस्काउंट में 450 ऐसे कुछ प्राइस का पड़ा था, मुझे ठीक से याद नहीं है. और मैंने इसे purple.com से ख़रीदा था, और मैं ये हाइलाइटर लास्ट 3-4 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी पसंद आया है, इसलिए मैंने सोचा कि इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ. तो ये जो है इसमें दोनों शेड आते हैं, एक है प्रीसियस पेटल्स जो एक गोल्डन शेड है, और ये जो है ये ब्लॉसम ग्लो है, तो ये एक लाइट पिंकिश कलर का शेड है. वो पिंक कलर आपके स्किन में उतना दिखेगा नहीं, लेकिन वो टिंट जो है लाइट पिंक कलर का एक देता है. मेरे पास मेबलिन का मास्टर क्रोम वाला जो गोल्डन कलर का हाइलाइटर होता है वो मेरे पास है, और मैं उसको काफ़ी यूज़ करती हूँ और मुझे काफ़ी पसंद भी है, और उसका रिव्यू भी मैंने चैनल पे शेयर किया है, तो आप जाके देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो. तो जब मैं इसको ऑर्डर कर रही थी मैंने पहले सोचा था कि गोल्डन वाला शेड ले लूँ जो प्रीसियस पेटल्स वाला शेड है, लेकिन देन मैंने सोचा कि ऑलरेडी मेरे पास एक गोल्डन शेड है और गोल्डन शेड मेरे चेहरे पे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं श्योर नहीं थी कि ये मेरे चेहरे पे कैसा लगेगा, क्योंकि इट्स एक्चुअली मेड फॉर दोज हु हैव अ लिटिल बिट फेयर स्किन टोन. तो इट्स एक्चुअली अ लाइट टोन दैन द प्रीसियस पेटल्स वन, दैट्स वट आई फील. तो दोनों शेड तो मतलब काफ़ी अलग है एक दूसरे से, लेकिन ये अगर लाइट और डीप की बात करूँ तो वो गोल्डन से ये थोड़ा सा लाइट है. तो मैं सोच रही थी कि कैसा लगेगा पिंक कलर का हाइलाइटर, मैं लूँ या ना लूँ, गोल्डन ही ले लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा ठीक है एक बार लेके देखती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी गोल्डन कलर का शेड मेरे पास है हाइलाइटर में, और थैंकफुली आई गॉट दिस गाइज बिकॉज दिस इज़ रियली प्रिटी, और ये भी मेरे स्किन टोन पे काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे काफ़ी पसंद आया, और आज भी मैंने इसको ही लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है. कोई भी मतलब डार्क पिंक जैसा नहीं लग रहा है, तो लाइट एक पिंक का टिंट है, तो कैमरा में आई थिंक पिक नहीं होगा वो लाइट पिंक टिंट, लेकिन इन रियल लाइफ अगर आप मतलब इतने क्लोज से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हल्का सा एक पिंक वाला वो टिंट है, लेकिन ज़्यादा मतलब मैंने जैसा सोचा था कि पिंक पिंक लग जाएगा, मतलब ब्लशर की तरह लगेगा पिंक, वैसा नहीं है, काफ़ी अच्छा वाला हाइलाइटर है, और मैं स्वच करके भी दिखा देती हूँ. और इसमें ना एक डिज़ाइन बना हुआ था, और क्योंकि मैं ये हर वक्त यूज़ करती हूँ तो वो डिज़ाइन चला गया, तो यहाँ पर एक सुंदर सा डिज़ाइन था. ये है इसका स्वच, जस्ट लुक एट दिस गाइस, इट्स सो प्रिटी, कितना शाइन दे रहा है आप देख सकते हो, और ये अच्छे से स्किन में ब्लेंड भी हो जाता है, और फॉर्मूला इसका बहुत ही अच्छा है. इसमें वो ज़्यादा चंकी शिमरी पार्टिकल्स नहीं दिखता है, एकदम स्किन लाइक फिनिश देता है, तो विद इन वाला जो ग्लो होता है ना वैसे टाइप का ही ये इफेक्ट देता है, आप देख सकते हो. मैंने एक बार सिर्फ फिंगर से ही ब्लेंड किया और कितने अच्छे से ये मेरे हैंड पे ब्लेंड हो गया. तो आप इसको मतलब ऐसे फिंगर से लेके देन ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हो, या फिर हाइलाइटर ब्रश अगर आपके पास कोई है तो उससे भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हो. दोनों तरह से ही ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, एंड इफ़ यू बाय दिस यू विल नॉट रिग्रेट गाइस. तो आप किसी भी शेड ले सकते हो, दोनों शेड्स ही है, तो ये वाला भी आप ट्राई कर सकते हो और गोल्डन वाला भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेरे से भी डार्कर स्किन टोन के हो तो आई विल प्रेफर यू द सेकेंड शेड विच इज़ प्रीसियस पेटल, बिकॉज गोल्डन कलर जो है वो फेयर स्किन टोन में भी अच्छा लगता है और डार्क स्किन टोन में भी अच्छा लगता है.
मेरे लिए थैंकफुली ये अच्छे से काम कर गया, विच इज़ वाई आई एम रियली हैप्पी विथ माई परचेज, और मुझे ये काफ़ी पसंद आया। एंड आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू यू गाइज बिकॉज इट इज़ टोटली वर्थ द मनी। और अगर आप डिस्काउंट में लेना चाहते हो तो आप विश लिस्ट में इसको ऐड करके वेट कर सकते हो डिस्काउंट के लिए। और मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोडक्ट का लिंक्स दे रखा है, वेरियस वेबसाइट का लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, purple.com, नायका, सभी का लिंक दे दिया है, तो आप कहीं से भी जाके इसको परचेज कर सकते हो अगर आप खरीदना चाहो तो। सो चेकआउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड दिस यूजफुल, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस अ बिग फैट थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी एंड क्लिक दैट बेल नोटिफिकेशन बटन नेक्स्ट वीक, सो व्हेनेवर आई अपलोड सच वीडियोज यू विल गेट नोटिफाइड। एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू थिंक ऑफ माई वीडियोज एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर देम ऑल्सो। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी देयर, व्हाट आर यू डूइंग गाइस, जस्ट गो एंड फॉलो। आई पुट रियली इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट एंड photos in my Instagram, so do follow me there. And until next time, stay happy, stay safe and stay tuned. Bye bye guys.